तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि कोई एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टर जो मार्केट में खरीदने मिलता है, ठीक है, जिसमें हाईली हाई रेजिस्टेंस इसमें रहते हैं। नॉर्मल कंडक्टर के अंदर में तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हम पहले ही बताया था कि कैसे करके रेजिस्टर, यानी क्या होता है रेजिस्टेंस। जो प्रॉपर्टी हम बताया था कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच अपोज, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच अपोज ये करते हैं कि टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, है ना, टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, वो करते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, कोई सर्किट में हम ज्यादा करंट फ्लो नहीं होने देगा, कोई सर्किट में करंट ज्यादा हम फ्लो होने नहीं देगा, इन दैट केस हमें चाहिए कि मार्केट से खरीदने मिलता है रजिस्टर। क्या कहते हैं उसको? रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर खरीदने मिलता है तो खरीद के सर्किट में ऐड कर किया जाता है। लेकिन वो सारा, मान लो कोई रजिस्टर हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो रजिस्टर का कलर कोड देख के हम कैसे पता चलेगा उसमें कितना रेजिस्टेंस है? नहीं तो हमको दुकान में कुछ भी बोल के दे देगा कि हाँ ये रेजिस्टेंस है। अगर हम नहीं जानेगा तो कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस उसका कितना है? तो चलो सीखते हैं। तो इसके लिए एक सेंटेंस हमें जानना पड़ेगा कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, बी फॉर क्या होता है कि ब्लैक, राइट, बी फॉर ब्लैक, फिर बी फॉर क्या है, ब्राउन, ठीक है, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर योलो, ओ नहीं है ग्रीन, जी फॉर ग्रेट, फॉर जी मतलब जी फॉर ग्रीन, ठीक है, बी फॉर हो गया ब्लू, ठीक है। हैड वेरी, हैड तो कोई ये लगाया, वर्ब लगाया, वेरी, वी फॉर वायोलेट, राइट, गुड गुड, जी फॉर ग्रे, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर व्हाइट। समझ गए? तो ये कलर कोड है, बट उसका साथ क्या करना पड़ता है, ये कलर कोड जो है, कलर कोड का नंबर कैसे होगा? जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है 9 तक। समझ में आ रहा है? बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, क्लियर। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इसका हम लोग नंबर से आप जानते हैं, नंबर नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 करके 9 तक पहुंचता है। और मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका साथ अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे क्या होता है, इनटू, ये 0 है सो 10 to the power 0, ये 1 है सो 10 to the power 1, ये क्या होता है 10 square, ये क्या होता है 10 क्यूब, ये क्या होता है 10 to the power 4, इधर 5 है सो 10 to the power 5, ये हो जाता है 10 to the power 6, और ये हो गया 10 to the power 7, 10 to the power 8 एंड 10 to the power 9, ठीक है। और क्या बोला है, इसको अलावा भी और कुछ है जो कि गोल्ड, लास्ट में एक कलर रहता है, दैट इज मान लो गोल्ड, गोल्ड होता है 5% टॉलरेंस, टॉलरेंस हम समझाएगा, सिल्वर होता है 10% एंड नो फोर्थ बैंड, अगर फोर्थ बैंड नहीं रहेगा तो उसको 20% टॉलरेंस कहा जाता है। तो मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ द फोर्थ बैंड, ये फोर्थ बैंड का कहानी बोला गया है। कैसे होगा ये चीज, चलो देखते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टर को नहीं काम करता है, तो देखा गया है कि इसमें ये जो मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लायर इज फॉर द, दिस इज फोर्थ बैंड, तो ये मल्टीप्लायर है थर्ड बैंड का बात कहा जा रहा है, क्या बैंड, थर्ड बैंड, दिस इज थर्ड बैंड, याद रखो। हाँ कितना आसान होगा, देखो ये चीज, ये थर्ड बैंड हो गया और ये बन गया फोर्थ बैंड, क्लियर है। सो ये थर्ड बैंड और ये बन गया फोर्थ बैंड, अब क्या करें देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो बैंड है रेड, रेड मतलब क्या होता है, बीबी रॉय से आ जाता है आर, तो बी फॉर क्या है 0, ये बी फॉर क्या है 1, ये आर फॉर क्या है 2, सो दैट इज व्हाई विल राइट 2, ठीक है। सेकेंड वाला बैंड देखा गया वो भी 2 है, तो क्या होता है अगेन 2,
तो ये हो गया. एंड द थर्ड बैंड विल बी व्हाट, थर्ड बैंड जो है वो विल बी मल्टीप्लायर. हम बताया था ना ये जो थर्ड बैंड है दिस विल बी द मल्टीप्लायर. सो उससे क्या है, सॉरी, हाँ तो ओबी क्यू, तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लायर बढ़ेगा. समझ में आया, तो दिस इज 10 स्क्वायर एंड 10, तो 22 10 स्क्वायर. सो क्या होता है, इतना ओल्ड मतलब उसका डिजिटेंस ऑलरेडी निकल दिया, राइट. अब क्या बोला है, प्लस माइनस 10% टॉलरेंस. टॉलरेंस का मतलब क्या है, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ये जो देख रहा है ना 2200 रेजिस्टेंस, तो इसको जो मेक किया गया था मतलब इससे 10% ज्यादा भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है. मतलब 2200 ओम तुमको बताया गया है, बोला है कि इससे ज्यादा मैक्सिमम 220 ओम ज्यादा हो सकता है. 2200 का 10% क्या था, 220 होता है ना 10%, तो इससे इतना ज्यादा भी हो सकता है. मतलब 220 ऐड कर दो कितना होगा, 2420 ओम. और क्या बोला है कि इससे 220 माइनस भी हो सकता है, इससे 220 कम भी हो सकता है, तो क्या होता है 1980 ओम भी हो सकता है. ठीक है, ये रेंज का अंदर में इसका रेजिस्टेंस रहेगा. क्लियर है, क्लियर है. नेक्स्ट आते हैं कि दूसरा वाला, और एक एग्जांपल देते हैं सेम चीज को, फिर दूसरा एक एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो देखो फर्स्ट दिख दिया है योलो, राइट. योलो मतलब क्या है, योलो मतलब क्या है, देखो योलो मतलब है ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4. क्लियर है, ये हो गया 4, समझ गए. तो ये अगर 4 हो गया तो फर्स्ट बैंड से 4 मिला है, सेकंड बैंड क्या है देखो वायोलेट, तो वायोलेट मतलब क्या है, 4 5 6 7, राइट. तो आ गया 7. ठीक है, अभी थर्ड बैंड मतलब क्या है, ब्राउन. ये तो थर्ड बैंड का कहानी है, हम बताया था तुम लोगों को, ये होता है थर्ड बैंड का, थर्ड बैंड हो जाता है मल्टीप्लायर. समझ गए ना, थर्ड बैंड अगर मल्टीप्लायर हो गया सो दिस इज थर्ड बैंड, दिस इज फॉर द थर्ड बैंड एंड दिस इज द मल्टीप्लायर. तो क्या बोला है, थर्ड बैंड का कलर कितना है, ब्राउन. ब्राउन मतलब ब्राउन, देखो ये है ब्राउन, तो क्या होगा इंटू 10^1. क्लियर है, प्लस माइनस. फोर्थ बैंड क्या है, गोल्ड. ये ऑरेंज कलर दिया हुआ है तो मैं इसको गोल्ड मेंशन किया है. सो ये गोल्ड है, तो गोल्ड मतलब क्या है, 5% टॉलरेंस. 5% टॉलरेंस इसका मतलब क्या है, 47 × 10 कितना होता है, ये होता है प्लस माइनस 5% टॉलरेंस. ठीक है, मतलब 47 + 5 और 47 - 5 भी हो सकता है. क्लियर है ये चीज, और क्या कर सकता है, देखो ये बट क्लियर, राइट. अब क्या होता है, और एक एग्जांपल देते हैं सो दैट कि इट मेक इट मतलब मोर क्लियर होने के लिए, और एक एग्जांपल लेके आ गया हम. ठीक है, देखो इसको देखो, फर्स्ट क्या है कलर है, ग्रीन. फर्स्ट क्या कलर है, ग्रीन. ग्रीन मतलब क्या होगा, चलो बीबी रॉय 0 1 2 3 4 5, तो 5 बैठेगा. सेकंड कलर क्या है, वायोलेट, राइट. वायोलेट कहाँ पे है, 6 7, सो 57 हो गया. एंड थर्ड बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर होगा, उसमें क्या दिया हुआ है, रेड. रेड कहाँ पे पहुंच गया, दिस इज योर रेड, राइट. सो मतलब क्या हो गया, 10 स्क्वायर, राइट. इतना ओम है और इसका टॉलरेंस क्या है, व्हाट विल बी द फोर्थ बैंड, नहीं है, तो नो फोर्थ बैंड मतलब क्या है, प्लस माइनस 20%, मतलब सबसे घटिया वाला रजिस्टर है ये, समझ गया ना. सबसे बेस्ट रजिस्टर कितना है, गोल्ड, क्योंकि इसका 5% है, इसका 5% ज्यादा हो सकता है, 5% कम हो सकता है. सिल्वर क्या होता है, तो 10% ज्यादा हो सकता है, 10% कम हो सकता है. क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना. कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स. ठीक है,
मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर क्या होते हैं? देखो क्या होता है कि डाइवर्सिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम डाइवर्सिटी का ऊपर में बहुत अच्छा से क्लास किया है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ गए? इसका अच्छा से, बहुत अच्छा से हम लोग क्लास कर लिया, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा उसको हम लोग क्या बोलेगा कि मोबिलिटी, उसको हम लोग क्या कहेगा कि मोबिलिटी कहेगा, राइट? मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर व्हिच इज डिनोटेड बाय म्यू, व्हिच इज डिनोटेड बाय म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, है ना? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्यू ई टाउ बाई एम, राइट? क्यू ई टाउ बाई एम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है सो दिस बाई ई, तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह में ये पुट कर दो और बाई ई कर दो, सो अगर ये ई और ये ई कटोगे तो क्या बन जाता है, क्यू टाउ बाई एम बनता है, क्या बनता है, क्यू टाउ बाई एम बन जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द म्यू, म्यू मतलब मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, ठीक है? सो अभी म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाता है, क्यू टाउ बाई एम, टाउ मतलब हम लोग मालूम है, टाउ मतलब क्या होता है, टाउ डेफिनेशन क्या है? एवरेज टाइम इलेप्सिस, ठीक है, एवरेज टाइम इलेप्सिस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशन, ठीक है, एकदम डेफिनेशन पकड़ के दिल से पढ़ो सबको, हाँ कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा ना कि एक अलग से प्यार बन जाएगा सब्जेक्ट का ऊपर, ऑटोमेटिकली पढ़ने लगेंगे, ठीक है? सो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम हम लोग किसको कहते हैं, एवरेज टाइम इलैप्सेस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशन, एंड दिस इज कॉल्ड अ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है? तो ये जो टाइम होता है, तो अभी टाउ ऑफ ई, इसको क्या, ई मतलब क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, टाउ सफिक्स, तो एम सफिक्स ई अगर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए? तो ये फॉर्मूला को अगर सफिक्स में ई लगा देंगे ना हम, ये फॉर्मूला को सफिक्स में अगर ई लगा देंगे, म्यू ई इज इक्वल टू क्यू का जगह में ई लगाओ, टाउ का जगह में टाउ ई लगाओ, एम का जगह में एम ई लगाओ, डन। और होल के लिए क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए नीचे एच लगाओ, ई तो क्यों, क्यू और क्यू बोलो, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, राइट ना? यस और नो? बट एक है नेगेटिव चार्ज और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है? तो बेटर टू राइट हियर, नेगेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, है ना? सो ये जो हो जाता है कि म्यू एच इज इक्वल टू ई टाओ एच बाई एम एच, टाओ एच मतलब क्या हो जाता है, दिस, टाओ एच मतलब दिस, तो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल, ठीक है, एम एच मतलब क्या होता है, मास ऑफ होल, ठीक है, ये बात हो गया। तो अभी एक डेफिनेटली कोई कंडक्टर में जैसे नेगेटिव चार्ज रहता है वैसे पॉजिटिव चार्ज भी रहता है ना, ठीक है? तो मोबिलिटी ऑफ द चार्ज के लिए तो बोला नहीं है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कुछ बताया नहीं है, तो म्यू ई प्लस टोटल चार्ज अगर तुम करोगे, देखो म्यू ई प्लस म्यू एच भी तो लिख सकते हैं हम लोग ना, ठीक है? और देखो हम बता दिया कि होल्स मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ द बोथ इलेक्ट्रॉन्स और होल, इसमें ये लिखना चाहिए था कि देखो मोबिलिटीज क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों का ये है, ठीक है, और होल्स आर क्या होता है, पॉजिटिव,
इस सेंटेंस को पूरा नहीं है, इसको ऐसा लिखना है मोबिलिटी ऑफ द बोथ, हम बताया था मोबिलिटी दोनों का ही होता है। ये चार्ज मतलब क्या होता है, किसका है, होल्स भी हो सकता है जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव कह सकते हैं, समझ गए, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डन, ठीक है। अभी दोनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, दे आर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, आर ऑपोजिट टू ईच अदर, क्लियर है, तो ये ऑपोजिट हो गया, राइट, क्योंकि दोनों का चार्ज अलग है ना, तो मान लो वी डी है, तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, अगर मान लो ये क्यू, क्यू मतलब क्या है, ई, अभी प्रोटॉन्स होगा मतलब होल्स होगा तो पॉजिटिव ई होगा, राइट, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाई एन, क्लियर है, ये दो पार्ट हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर, डायरेक्शन अपोजिट, ऑब्वियसली ऑब्वियसली होगा ही, तो मगर डायरेक्ट ग्रेविटिकली देखोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था सब्सटेंस को, ये सब्सटेंस, तो क्या था, जब ऐसा रखोगे तुम उसको, इलेक्ट्रॉन कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, हाँ ऑब्वियसली, तो इलेक्ट्रॉन अगर ये डायरेक्शन में मूव करेगा बिकॉज ऑफ दिस, ये प्लस है बोल के इलेक्ट्रॉन सब इधर आके भाग गया, और प्रोटॉन्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है, जो होल्स खोल सकता है उसको क्या होता है, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इंडिया डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, ठीक है, सो इसीलिए जब हम लोग मोबिलिटी ऑफ द चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, सो उसमें क्या होता है, दोनों क्या होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा ही, है कि नहीं, समझ में आया, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होगा ही, चलो ठीक है, तो अभी मूव करते हैं, तो दोनों मोबिलिटी समझ में आ गया, म्यू ई क्या होता है और म्यू एच क्या होता है, ठीक है, मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, एस इनवर्स, प्रैक्टिकल यूनिट जिसमें काम होता है, तो उतना बड़ा यूनिट नहीं चाहिए होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, वी इनवर्स एंड एस इनवर्स, ठीक है, ये गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ फॉर द कंडक्टर, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर को बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम लीप में रखो, ई एन ए वी डी, आई इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या है ना, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करोगे होगा तुम लोग, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ई एन ए वी डी, और वी डी क्या है, म्यू ई इंटू ई, वी डी मतलब म्यू इंटू ई, ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि देखो हम लोग मोबिलिटी ऑफ द चार्ज के लिए डेफिनेशन जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वही तो होता है मोबिलिटी ऑफ द चार्ज के लिए, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको मूव कराओ, वी डी इज इक्वल टू म्यू, वी डी इज इक्वल टू क्या होता है कि म्यू इंटू ई, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का होगा तो म्यू ई हो जाएगा, समझ में आया, अगर हो जाएगा भाई चार्ज तो कुछ मेंशन नहीं है, इफ इट इज इलेक्ट्रॉन्स तो म्यू ई हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज अ म्यू ई, तो आई एन, तो देखो ये आई एन, आई इज इक्वल टू जो हम लोग देखा है ई एन ए वी डी ना, तो वो वी डी का जगह में क्या हो जाएगा, सिंपल ई एन ए म्यू ई कैपिटल बनाए ये चीज, राइट, अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर द सेमीकंडक्टर्स, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट का अंदर में रिलेशन, तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे नोट करते हैं हम लोग, आई, राइट, और सेमीकंडक्टर क्या होगा, उसका वाला मोबिलिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी मतलब ही होता है, मोबिलिटी चार्ज के लिए का मतलब क्या होता है, डिनोट, डिनोशन म्यू होता है,
क्लियर है? सो चलो देखते हैं. कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज बोथ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी जब मेजर करने जा रहा है उसमें क्या होता है, दोनों का होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी होगा, होल का मूवमेंट भी होगा. तो टोटल करंट कितना होगा, आई ऑफ ई एंड आई ऑफ एच. समझ गए, आई ऑफ ई एंड आई ऑफ एच. और आई मतलब हम लोग जान के आ चुका है ई एन ए वी डी, राइट, ई एन ए वी डी. और ई एन ए वी डी अगर होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या बनेगा, म्यू ई इंटू ई. अगर ये होल्स का तो होगा क्या तो बनेगा, म्यू एच इंटू ई. एग्जैक्टली ये दोनों इधर बैठ गया. क्लियर है? तो अभी क्या करोगे, ई ए एंड ई, ये तीनों अगर तुम कॉमन लोगे बताए रहेगा क्या, एन म्यू ई. और इधर क्या रहेगा, पी, जो इधर नंबर, एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पी मतलब क्या है, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है. तो ये एन इंटू पी, एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच इधर रख दिया. ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर द सेमीकंडक्टर. क्लियर है भाजी? कुछ नहीं है, ये ई ए और ई को कॉमन ले लो, रह जाएगा क्या, एन म्यू ई और इधर पी म्यू एच रह जाएगा, डन. और क्या, क्लियर है ये? कौन सा वाला बोलो, ये कैसे आया, वही तो हम पढ़ रहा था ना, ये फॉर्मूला है, ये डिराइव किया था हमने, डिराइव करके दिखाया था प्रीवियस वीडियो देखो. म्यू ई क्यों आया, हाँ, क्योंकि वी डी मतलब क्या होता है, म्यू ई. अभी बोल सकते ये कहां से आया, मोबिलिटी ऑफ चार्ज का लिया डेफिनेशन, ये वी डी होता है ना, ये होता है, ये तो फॉर्मूला है, अभी पढ़ा है मोबिलिटी ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है. तो उसका जगह में अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो क्या था, वी डी इज इक्वल म्यू ई बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई इंटू म्यू होगा ना, तो वी डी इज इक्वल म्यू ई बन गया. तो वी डी इज इक्वल म्यू ई अगर बन गया, सो अभी अगर मान लो वी डी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें म्यू का जगह में क्या लिखोगे, म्यू ई लिखोगे ना. तो वी डी ई फॉर होल्स क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, एच इंटू ई लिखोगे. समझ में आ गई? तो ये वी डी, वी डी का जगह में हम, ये वी डी का जगह में VD का जगह में क्या लिख दिया, म्यू ई लिख दिया, और मतलब म्यू ई इंटू ई, ठीक है, ये VD का जगह में लिखा है बिकॉज इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स. अदर इधर क्या क्या है, म्यू एच, ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन, ठीक है, ये बेसिकली अलग अलग एंटिटी है, ये है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये है होल्स के लिए, मतलब ये दोनों दिस इज इक्वल, दिस दोनों इक्वल है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या है, ये किसका एंटिटी है जानना होगा हम लोगों, इलेक्ट्रॉनिक करंट का, दिस इज आई ई, और दिस पार्ट क्या होगा, आई एच के लिए होगा. समझ में आया, दिस पार्ट आई एच, अकॉर्डिंगली हम लोग लिखा है आई ई मतलब दिस एंड आई एच मतलब दिस हो गया, एंड ई ए को कौन ले लो, ये बन गया रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज इज चार्ज क्लियर फॉर ए सेमीकंडक्टर. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मूव करें. यह क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी लेके काम करता है सेमीकंडक्टर. यह कैसे होता है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी इज इक्वल टू ई इंटू एल, ये फॉर्मूला हम लोग मालूम है, आर इज इक्वल टू डो एल बाई आर, वो भी फॉर्मूला हम लोग मालूम है. तो क्या बन जाता है, ये देखो E by rho by A अगर होगा ना, तो क्या होता है, E into A by rho होगा, right? तो इसका मतलब क्या हो गया, this A into A E by rho होगा, I is equal to A
बाय रो होगा। डन, क्लियर है लॉजिक? ठीक है, सो ये आई जो हो गया ये बन गया ई ए बाय रो। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई ए बाय रो बना है ना, समझ गए? तो देखो आई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ के आया, इज दैट इट? आई इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, ये हम लोग पहले ही पढ़ के आया, राइट? तो अभी देखो आई मतलब क्या निकाल दिया हम लोग, ये वाई रो, और ये वाई रो इधर पुट करो आई का जगह, क्या बन जाता है, ये वाई रो और इधर ई ए ब्रैकेट का अंदर में एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, इसमें ई कैपिटल ही कैपिटल है, कैपिटल ही कैपिटल कैंसल्ड, तो क्या हो जाता है वन बाई रो इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, राइट? और वन बाई रो मतलब क्या है, सिग्मा बना है ना, सिग्मा मतलब क्या है, कंडक्टिविटी, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्लियर है लॉजिक? कोई दिक्कत किसी का? आगे बढ़े, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टिविटी क्या होता है उसका बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ा है R इज प्रोपोर्शनल टू द L, राइट? हम लोग ये भी पढ़ा था R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A, इसको ज्वाइन करके हम लोग ये भी पढ़ा है प्रोपोर्शनल टू द L बाई A पढ़ा है, उसको जब हम लोग इक्वल किया था क्या बन गया था, कम्स टू द रेजिस्टिविटी, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड उसका डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुका है, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुका है, इट इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ इट इज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? अभी हम लोग डिराइव करके ये फॉर्मूला भी मिला है रेजिस्टिविटी का, राइट? तो इससे हम लोग क्या देखा है, इससे हम लोग देखा है ये जो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का मिला था, देखो इस एम इज द मास ऑफ द चार्ज, एम क्या होता है, नंबर ऑफ द चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एम, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एम एन ई स्क्वायर जो है ना, ये पार्ट को तुम अगर कंस्टेंट लोगे, सभी कंस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कभी बदलेगा नहीं है ना, तो तुम अगर बदलेगा नहीं सो अच्छा बात है, तो इसको अगर कंस्टेंट लोगे तो कंस्टेंट को गायब करने से ये इज इक्वल टू साइन टर्न्ड इनटू प्रोपोर्शनल साइन, समझ में आ गया, एंड इज वाइज वर्सा आल्सो, मान लो एक्स प्रोपोर्शनल टू द वाई, तुम अगर इक्वल टू करोगे तो एक कंस्टेंट टर्म में लेना है, एंड इज वाइज वर्सा आल्सो, कि तुम अगर कंस्टेंट को गायब करोगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू साइन कन्वर्टेड इनटू प्रोपोर्शनल साइन, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? तो इसे हम लोग मिल गया क्या, रो प्रोपोर्शनल टू द वन बाई टाउ, रो प्रोपोर्शनल टू द वन बाई टू, एंड विच इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विच इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ गए? अब क्या करें, देखो अगर मेटल होगा, इनकेस ऑफ मेटल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंस्टेंट, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोई मेटल अगर होगा तो उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना था उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्लियर है? इससे भी कंडक्टर नहीं है कि तुम हीट लगाओगे तो उसका इलेक्ट्रॉन्स बढ़ निकाल कर देगा, लेकिन ये क्या है, ये जो मेटल्स इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना था उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा, तो वो मेटल का तो पर टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन आर, डिपेंड्स अपॉन दिखाया था, आर डिपेंड्स अपॉन दिखाया था, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, और इसका भी हो सकता है मास ऑफ द, मास जरूरत नहीं है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम, बोल सकते हैं ना, और क्या होता है, टेम्परेचर को डिपेंड्स भी होता है रेजिस्टिविटी, क्लियर है? रेजिस्टिविटी का ऊपर टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का ऊपर भी डिपेंड होता है, क्लियर है? तो ये क्या हो जाता है, रो प्रोपोर्शनल टू द वन बाई टाउ, ये हो गया, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ गए? तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर होगा तो मतलब क्या होता है, देखो रिलैक्सेशन के टाइम में घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज देखे, चलो हम लोग पढ़ते मेटल का ऊपर बोर्ड में चलते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, नया कुछ नहीं निकले वाला है, हम जो बोर्ड में लिखेगा वही लिखा हुआ है इधर। हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल्स, ठीक है? फॉर मेटल्स हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखा है, सॉरी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द 1/tau। ऐसा क्यों? जो हम लोग मालूम है रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर इंटू टाउ, ये देखा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल सब्सटेंस, पर्टिकुलर अगर उसका लेंथ ब्रेथ हाइट अगर है तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कांस्टेंट है, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, वो कांस्टेंट है, राइट? तो अगर कांस्टेंट है नंबर, तुम जितने भी हीट डालो तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाते रहो, उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं तो ये पार्ट कंस्टेंट है, मास तो कंस्टेंट होगा ही, है ना? तो क्या हो जाता है, ये पार्ट को अगर कंस्टेंट ही है, इसके बिना कुछ काम में आएगा, आएगा नहीं, राइट? क्योंकि नंबर तो बढ़ेगा नहीं, चार्ज में रहे तो इसको हम लोग कंस्टेंट करने से, इसको हटा देने से इज इक्वल टू साइन टर्न इनटू प्रोपोर्शनल टाइम, प्रोपोर्शनल साइन, राइट? अब क्या होता है, देखो तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इट गेन्स एनर्जी। ये सब्सटेंस है तुम्हारा पास, ये सब्सटेंस दिया गया है, राइट? ये सब्सटेंस दिया गया है, आप क्या करें, देखो अगर ये सब्सटेंस दिया गया है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो तो बढ़ता नहीं है, वो क्या करता है, मूव करते जाते हैं इधर से इधर, इधर से इधर, रैंडमली मूव करने लग जाता है। तुम जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज्ड मतलब क्या है, हीट एनर्जी, एब्जॉर्प्शंस इंक्रीज हुआ है, इसलिए तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इट इज एनर्जी। द सब्सटेंस गेट्स हॉट इफ इट इंसर्ट इन द बॉडी, एंड अ बॉडी गेट्स कोल्ड इफ इट रिलीज फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी, राइट? तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, तो हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट घटेगा सो क्या होता है, कॉलिशन बढ़ेगा कि घटेगा, कॉलिशन बढ़ेगा, ठीक है? तो कॉलिशन अगर मोर फ्रीक्वेंट होगा तो रिडक्शन टाइम क्या होगा, हाँ कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, फ्रीक्वेंट कॉलिशन हो रहा है ना, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन दे रही इलेक्ट्रॉन है, इधर हिट कर रहा है, फिर जाके इधर हिट कर रहा है, तो ये जो गैप है ये गैप कमते रहते रहेगा क्योंकि मोर फ्रीक्वेंट। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, है ना? अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, श्योर है ये चीज? तो ये फंडा जो है, दिस इज द मेटल का केस पे हम लोग तक क्या पता चल गया, रो इज प्रोपोर्शनल टू द 1/tau, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम हम लोग देख रहे हैं घट रहा है, सो रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, भाग बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ना मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा,
तो करंट फ्लो थ्रू द मेटल घटेगा डेफिनेटली। तुम्हारा मेटल का टेम्परेचर बढ़ा के हॉट मेटल करके रखोगे, मेटल हॉट करके रखोगे तो उसमें करंट फ्लो कम होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होना मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ गया, और रेजिस्टिविटी बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। सिंपल, क्लियर है? तो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल। अभी हम लोग नोट्स में चलते हैं। ये सब कुछ इधर लिखा हुआ है जो हम बोर्ड में लिखा था, ठीक है, पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला क्या होता है देखो, नाउ द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर, ये फॉर्मूला आते हैं। क्या है ये फॉर्मूला? रो इज इक्वल टू रो नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा मतलब क्या है? इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये होता है तो टी माइनस टी नॉट, मतलब टी नॉट मतलब क्या होता है? टी नॉट मतलब लोअर टेम्परेचर, यूजुअली इट इज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और टी क्या होता है? इट इज हायर रेफरेंस टेम्परेचर। क्लियर है? समझ में? रो नॉट क्या हो गया? रो नॉट मतलब रेजिस्टिविटी। रो नॉट क्या है? टी नॉट हम क्या बोला है कि इट इज लोअर रेफरेंस टेम्परेचर। सही है, राइट? रो नॉट क्या होता है? रेजिस्टिविटी इन द लोअर रेफरेंस टेम्परेचर। और लो क्या होगा? सिमिलर, डेफिनेटली इट इज रेजिस्टिविटी इन हायर रेफरेंस टेम्परेचर। क्लियर है? रेजिस्टिविटी इन द हायर रेफरेंस टेम्परेचर, दिस इज रो। क्लियर हो गया? आप क्या कर ले देखो, तो रो हो गया टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ द रेजिस्टिविटी हो गया। अभी रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट इंटू अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ये, अगर ये लिख सकते हैं ना, ये रो नॉट को शिफ्ट कराओ, समझ गए? ये जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में, ये आ गया। अभी रो नॉट को शिफ्ट कराओ, बनता क्या है? रो माइनस रो नॉट बनता है, और इधर क्या हो गया? रो नॉट आ गया, राइट? अभी क्या होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसका नीचे लेके आओ तो बनेगा क्या? अल्फा इधर अकेला हो जाएगा ना, तो बनता है क्या? अल्फा इज इक्वल रो माइनस रो नॉट बाई रो नॉट इन टू टी माइनस टी। अगर ये हो गया तो ये टी माइनस टी नॉट, टी नॉट मतलब क्या है? हम पता है कि टी नॉट मतलब लोअर रेफरेंस टेम्परेचर, और टी मतलब क्या है? हायर रेफरेंस टेम्परेचर। श्योर? तो अगर ये हो गया, टी माइनस टी नॉट बनता क्या है? डी टी बनता है। टी माइनस टी नॉट मतलब बन गया डी टी, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? डी रो बाई रो नॉट डी टी। अल्फा इज इक्वल टू क्या बन गया? डी रो बाई रो नॉट डी टी। क्लियर है ये चीज? अगर ये चीज हो गया, सो अभी देखो रो नॉट, अभी अल्फा का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड अ टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ द रेजिस्टिविटी, राइट? तो इसमें बोल सकते हैं इंक्रीज, डिफरेंट इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग ऐसा बोल सकता है, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ द रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन बोल रहा है। मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशियंट मतलब अल्फा, विच इज कॉल्ड अ टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसमें क्या बोल सकता है? इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी।
ठीक है, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड अल्फा, एंड अल्फा मतलब क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट मे डिफाइन द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। कैसे, दिस इज द रो, दिस इज द अल्फा, फॉर्मूला क्या है, डी रो वाई रो नॉट, ठीक है, रो नॉट, और इधर क्या हो गया डी टी, समझ गए। तो क्या होता है, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी को हम लोग कह रहे हैं कि डी रो बाई रो नॉट, ठीक है, डी रो, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी का हम लोग ये नहीं है, डी रो को कहते हैं कि देखो डी रो आया कहां से, रो माइनस रो नॉट से आया या नहीं, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, उसको कह सकता है कि दिस इज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, डी रो मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग डी रो लिख सकते हैं। क्यों डी रो लिखोगे, लिखेगा क्योंकि डी रो इज कमिंग फ्रॉम द रेजिस्टिविटी इन हायर रेफरेंस टेम्परेचर माइनस रेजिस्टिविटी इन द लोअर रेफरेंस टेम्परेचर, उधर से डी ओ है, डी ओ है। तो ये देख के पता चलता है ना कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये लोअर है ये हायर है, तो दोनों को माइनस करने से पता चलेगा कितना इंक्रीज हो रहा है, डन। और क्या होता है, पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर यूनिट रेजिस्टिविटी मतलब देखो ये नीचे रेजिस्टिविटी नीचे है इसीलिए पर यूनिट, और क्या बोला है, पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, किस लिए ये वर्ड लिख रहा है, बिकॉज ऑफ द डीटी, डीटी का सोर्स क्या है, डीटी का सोर्स क्या है, दिस इज द डीटी ना, राइट, दिस इज द डीटी ना, ठीक है ना, डीटी का सोर्स तो ये है, टी मतलब क्या, हायर रेफरेंस टेम्परेचर, टी नॉट मतलब क्या, लोअर रेफरेंस टेम्परेचर, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर डिग्री राइज होगा कि नहीं, मतलब टी था हायर माइनस टी नॉट मतलब क्या है, कितना बड़ा है, एंड दैट इज कॉल्ड डीटी, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड अ टेम्परेचर कंपोजिशन ऑफ द रेजिस्टिविटी विच मे बी डिफाइंड इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, क्लियर है लॉजिक, कोई दिक्कत। तो आप देखो इसके यूनिट कैसे निकालोगे, मान लो भूल गया हमें इसका यूनिट क्या है, फॉर्मूला तो जान गया, ये जान गया ना, सो डी रो, डी रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, चाहे वो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर रेजिस्टिविटी तो है, रो नॉट क्या है, वो भी रेजिस्टिविटी है, चाहे वो लोअर रेफरेंस नंबर का रेजिस्टिविटी है वो भी तो रेजिस्टिविटी है, तो दोनों का यूनिट तो सेम होगा कि अलग, सेम, तो मतलब क्या रहे गया, ठीक है, और ये अगर रह गया डी टी मतलब क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, तो वन बाई डिग्री सेंटीग्रेड अगर लिखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, लिख सकता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, समझ में आया। सो दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी, क्लियर, कोई दिक्कत किसी का नहीं है, तो चलो आगे बढ़े, कुछ पूछना है बताओ, एनीथिंग टू बी आस्क, एक बार देख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का क्या हो गया, देखो कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी का हम लोग समझ गए, इसका ऊपर अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक पार्ट देखो क्या होते हैं कि फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी, राइट, और फॉर मेनी मेटालिक एलिमेंट अल्फा क्या का वैल्यू होता है 4 × 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, राइट, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये पार्ट हो गया। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर
ये दोनों को अगर तुम ग्राफ ड्राइंग करोगे ना, ये ग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लेना जरूरी है। हाँ, वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विथ टेम्परेचर और वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी रो इन नाइक्रोम विथ टेम्परेचर, बोर्ड्स एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चन दे देगा और चार्ट टू ग्राफ दे देगा, तुम्हें सही ग्राफ को टिक करना है, राइट। ये पार्ट हो गया। देखो ये पार्ट एक ऐसा होता है कि देखो लो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आया, तो देखो हम लोग मानते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो आर प्रोपोर्शनल टू द रो, ये बनता है आर प्रोपोर्शनल टू द रो बनता है। तो इसमें रो का जगह में आर लगा सकते हैं, रो नॉट का जगह में, रो नॉट का जगह में हम लोग लगा सकते हैं आर टी। रो नॉट का जगह में क्या लगा सकते हैं, आर नॉट लगा सकते हैं। और ये जो टी माइनस टी नॉट, मतलब जितना डिफरेंस हो रहा है उसको स्मॉल टी से डिवाइड कर रहा है, एंड विच इज कॉल्ड राइज इन टेम्परेचर, टी माइनस टी नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड अ राइज इन टेम्परेचर, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड अ राइज इन टेम्परेचर। सो आर टी इज इक्वल टू क्या बनता है, आर नॉट इन टू वन प्लस अल्फा टी, क्लियर है लॉजिक ये फॉर्मूला। अब हम लोग करते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस से तो रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ द एलॉय, एलॉय में क्या होता है, देखो एलॉय में होता है कि एलॉय का लेकिन वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एलॉय का रेजिस्टिविटी सो हाई, एलॉय का रेजिस्टिविटी सो हाई, एलॉय मतलब मालूम है ना, ठीक है। तो सो हाई काफी हाई रेजिस्टिविटी है, तो उसमें क्या होता है, उसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी इतना खास बात नहीं होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी इतना खास नहीं होता है, मतलब क्या होता है, उसका वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी रहते हैं, ठीक है। जहां पर नाइक्रोम का क्या होता है, नाइक्रोम बोल रहा है कि वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैंगनीन का लेके क्या होता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, कोई डिपेंडेंसी नहीं है डिपेंड का, मैंने टेम्परेचर का ऊपर कोई नहीं रहता है, समझ में आ रहा है। नाइक्रोम का वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, थोड़ा सा है उसका रेजिस्टिविटी में, थोड़ा सा वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, बट मैंगनीन का देयर इज नो टेम्परेचर डिपेंडेंसी फॉर द चेंजिंग ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में मैंगनीन का कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है, समझ गए, क्लियर बोलो। टेम्परेचर मतलब थोड़ा बहुत रहता है रेजिस्टिविटी, थोड़ा सा बढ़ जाता है घट जाता है ऐसा कुछ होता है, थोड़ा रेजिस्टिविटी चेंज होता है टेम्परेचर का फर्क में, नाइक्रोम एलॉय के लिए, नाइक्रोम एलॉय के लिए रेजिस्टिविटी थोड़ा सा डिफरेंस होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। इंस्टेंटली क्या होता है, एलॉय का ऑलरेडी हाई रेजिस्टिविटी होता ही है, ठीक है, तो इसीलिए वो टेम्परेचर का ऊपर में नाइक्रोम का केस में थोड़ा सा वैरी करता है, थोड़ा सा ही, बहुत ही थोड़ा, नेग्लिजिबल वैरी करता है, बट मैंगनीन के लिए उतना टेम्परेचर डिपेंडेंसी है नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ उसका रेजिस्टिविटी सेम ही रहता है, डन, क्लियर है। एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब हमें मालूम है कि दैट इज जीरो के, जीरो केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड, प्योर मेटल में क्या होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल रेजिस्टिविटी रहता है, प्योर मेटल में नेग्लिजिबली स्मॉल रेजिस्टिविटी रहता है, थोड़ा बहुत माने ऑलमोस्ट रहता ही नहीं है बोलने से, हाँ नेग्लिजिबली स्मॉल, बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होता है। बट एलॉय में क्या होता है, तुम एब्सोल्यूट जीरो में लेके जाने से भी उसका अंदर में रेसिडुअल रेजिस्टिविटी होता है, मतलब थोड़ा सा रेजिस्टिविटी उसमें रह जाता है एलॉय में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में मेटल में बहुत ही कम रेजिस्टिविटी रहता है, वेयरएज एलॉय का केस में क्या होता है, उसमें रेजिस्टिविटी थोड़ा बहुत रह जाता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है लॉजिक। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सो नेक्स्ट डे हम लोग जो पढ़ेगा सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का ऊपर,
रेजिस्टिविटी का क्या डिपेंडेंसी है वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जाएगा, समझ गए। सो आज इतना तक ही रहने दो, ठीक है।